मॉलिक्यूलर फार्मूला सिग्मा वन एस टू। ये वाली पूरी बात को नोट करिए। ये एच टू मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फार्मूला सिग्मा वन एस टू। सेकंड लाइन में लिखिए एच टू मॉलिक्यूल डाइमैग्नेटिक इन नेचर। एच टू मॉलिक्यूल डाइमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है इसलिए डाइमैग्नेटिक नेचर का है। अगले पॉइंट में लिखिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB - NA / 2। NB लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन, जो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लोअर एनर्जी लेवल का, उसका नाम हम रखते हैं NB, और उसमें इलेक्ट्रॉन है 2। 2 - 0 / 2 = 1। नोट कर लीजिए। डायग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आपके पास बना हुआ है। अब बात करेंगे केस फर्स्ट। इफ एच टू मॉलिक्यूल लॉस वन इलेक्ट्रॉन then converted to H2 plus ion. Therefore, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ H2+ इज सिग्मा वन एस वन। It is paramagnetic in nature. कैसे नेचर का होगा ये? पैरामैग्नेटिक नेचर का, बिकॉज कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। It is paramagnetic in nature because contain one unpaired electron. So bond order of H2+. So bond order of H2+ ion. equal to NB - NA / 2. NB - NA / 2. So NB = 1,
माइनस जीरो डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू वन बाय टू इक्वल जीरो पॉइंट फाइव। लिखिए डिक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर, डिक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर विथ डिक्रीज स्टेबिलिटी। डिक्रीज द बॉन्ड ऑर्डर विथ डिक्रीज स्टेबिलिटी। चलिए अगला पैराग्राफ में नोट करिए। इफ वन इलेक्ट्रॉन गेन बाय H2 molecule, it converted to H2 minus, therefore molecular formula of H2 minus, therefore molecular formula of H2 minus σ1S2, σ*1S1। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का फार्मूला, σ1S2 एंड कॉमा लगा के σ*1S1। देयरफॉर इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, because contain one unpaired electron with higher energy level. हायर एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन रखता है, एक अनपेयर्ड, इसलिए नेचर में पैरामैग्नेटिक है। द बॉन्ड ऑर्डर H2- इक्वल टू वही Nb-Na डिवाइडेड बाय टू Nb2 Na1 डिवाइडेड बाय टू 1/2 इक्वल टू आल्सो 0.5। चलिए अब स्टेटमेंट लिखिए लास्ट में। H2- इज अनस्टेबल, H2- इज अनस्टेबल बिकॉज हैव इलेक्ट्रॉन ऑफ हायर एनर्जी लेवल। इसमें इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में, इसलिए ये अनस्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर दोनों के बराबर है 0.05, H2+ का भी 0.5 है, वो भी पैरामैग्नेटिक है, H2- का बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 है, वो भी पैरामैग्नेटिक नेचर का है, बट दोनों में H2- अनस्टेबल होगा क्योंकि उसके पास हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन, ये रीजन है उसका। कहानी खत्म हुई। अब
हीलियम की स्टोरी सुना देते हैं 60 में। हीलियम में लिखिए, समझिए, हीलियम टू प्लस हीलियम टू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। हीलियम टू मॉलिक्यूल, चार इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम का मॉलिक्यूल, ये बन गया, इधर दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा वन, ये वन एस टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन हुए सिग्मा वन एस टू, और इधर दो हायर एनर्जी लेवल में सिग्मा स्टार वन एस टू। हीलियम मॉलिक्यूल चार इलेक्ट्रॉन रखता है टोटल। डायग्राम मॉलिक्यूलर सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू, ये कहानी हीलियम मॉलिक्यूल की। बॉन्ड ऑर्डर पता करोगे एन बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय टू, एन बी टू एन ए टू डिवाइडेड बाय टू, जीरो, इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम नोबल गैस है, वो अपने सिंगल एटम से ही मॉलिक्यूल को जनरेट करती है, मींस उसकी जो एटॉमिक स्टेज है वही मॉलिक्यूलर स्टेज के नाम से फेमस है, इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है। जब बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, मॉलिक्यूल का हैप्पी बर्थडे ना हुआ, तो नेचर को डिसाइड कहाँ से करोगे कि वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ लिख लीजिए ये कहानी, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द वैल्यू ऑफ एन बी, द वैल्यू ऑफ एन बी एंड एन ए इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, then bond order will be zero, bond order will be zero, सुनिए शॉर्ट ट्रिक हमने क्या लिखी थी कल वो यहां लिखते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। शॉर्ट ट्रिक में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, एटम की बात नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जब एटम कंबाइंड होंगे, और यहां क्या था बॉन्ड ऑर्डर। नेचर तो हम वैसे ही अंदाज से बता देंगे कि नेचर ये होगा, यहां क्या लिखा था 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट में 18 था। अब 8 के सामने क्या था बॉन्ड ऑर्डर जीरो, 9 के सामने क्या था 0.5, याद होगी आपको शॉर्ट ट्रिक, 10 के सामने क्या था 1.0, 0.5 से इंक्रीजिंग करेंगे 0 से 3 तक और 3 से फिर 0.5 तक डिक्रीज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 11, 1.5, 12, 2.0, 13, 2.5, 14, 3, बस भाई इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसी का नहीं होता। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा 2.5, 16 का 2.0, देख लीजिए ऑक्सीजन का 2.0 बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है आपके पास, 17 1.5 और 18 का क्या लिख रखा आपने 1.0। शॉर्ट ट्रिक से मैच कर लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब इसी शॉर्ट ट्रिक को हम एग्जाम में कैसे यूज करेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, दूसरी चीज नेचर तो हम बता देंगे आपको, नेचर में आपने ऐसे लिखा था कि 10 और 16 नंबर के जो कंपाउंड है मॉलिक्यूल है ऑड नंबर के साथ, ये सब पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक का मतलब पी, और इनके अतिरिक्त जितने भी इवन नंबर 10 और 16 को छोड़ के जितने इवन नंबर है वो सब डायमैग्नेटिक। ये कहानी खत्म हो गई।
अब एक फार्मूला लिखा था जो मैं यहाँ साइड में लिखता, आपको यहाँ पे लिखता, क्या लिखा था, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और अपॉन में क्या लिखा था, बॉन्ड लेंथ, ये फार्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मालिक्यूल की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हायर द बॉन्ड ऑर्डर इज हायर स्टेबिलिटी ऑफ मालिक्यूल, बट हायर इज बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो। समझिए आप, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को समझा था, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको O2 O2 माइनस O2 प्लस एंड O2 डबल माइनस, इन चारों आयन को, अब ये मालिक्यूल भी है आयन भी है जो भी है आपके सामने है, आप तो पहचानते हो आयन है के मालिक्यूल, O2 मालिक्यूल है क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं। O2 माइनस, ये O2 मालिक्यूल का नेगेटिव आयन है। O2 प्लस, ये ऑक्सीजन मालिक्यूल का पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन लॉस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन। O2 डबल माइनस, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे। ये O2 मालिक्यूल का डाई नेगेटिव आयन से। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अरेंज, क्या करना है आपको, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर किसके बेस पर, बॉन्ड ऑर्डर। एक क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, लिख लीजिए और आपको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन बोला मैंने, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। जितने आयन मालिक्यूल मैंने डिजाइन किए इनको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। लोवेस्ट फर्स्ट, जिसका बॉन्ड ऑर्डर लोवेस्ट होगा, मिनिमम होगा, वो पहले आएगा। अब कैसे सॉल्व करोगे, आपके सामने शॉर्ट ट्रिक बोर्ड पर बनी हुई है, बस वहां जाइए। बट इलेक्ट्रॉन तो पता हो, इलेक्ट्रॉन थोड़ी कोई शॉर्ट ट्रिक में बताएगा। तो देखिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, ये लिख दिए मैंने। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन हो गया 17, ये याद होना चाहिए। इसमें 16 होते थे, एक चला गया 15, और इसके पास दो प्लस हो गए 16 to 18, ये इनके इलेक्ट्रॉन है। बस शॉर्ट ट्रिक में मैच कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 16 का बॉन्ड ऑर्डर आपके सामने लिखा है 20, ये लिखा साइड में। 17 का बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा, 1.5 आपके सामने है। और 2 प्लस 15 का बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा है, 2.5 लिखा है। लिस्ट तो याद होना चाहिए, उसमें से फटाफट आंसर आ जाएगा, ये 1.3। अब जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे लोवेस्ट फर्स्ट लेना, मतलब सबसे पहले किसको लोगे बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर, ये सबसे लोवेस्ट, इससे हायर कौन होगा, O2 माइनस, उससे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन, और सबसे बड़ा O2 प्लस। ये आ गया आंसर, आंसर को मैच करिए, कितने लोगों का ये आंसर आया है वो बाद में देखेंगे। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और शामिल करेंगे, बदल के पूछेगा वो। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपको बॉन्ड ऑर्डर का, उसने बोला नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो, लोवेस्ट फर्स्ट, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ कम है, मिनिमम है, बॉन्ड लेंथ मिनिमम है, उसको फर्स्ट पहले रखें। तो बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्स भी है, तो आपको यही सारी कहानी देखना पड़ेगी, सबसे हायर बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 प्लस का, उसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी। तो यहाँ अपोजिट ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस की सबसे मिनिमम, उससे हायर जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 मतलब O2, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 माइनस, और सबसे ज्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम। बस इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इनके नाम का अगर क्वेश्चन आया तो ये दो के अतिरिक्त कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, नोट करिए।
नोट करिए क्वेश्चन के आंसर को। N2 का बॉन्ड ऑर्डर बोर्ड पर लिखा हुआ है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर, कुछ कहीं नहीं जाना, शॉर्ट ट्रिक में जाओ। अरे N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर, फिर ये आ गया आंसर, लिस्ट में लिखा हुआ तो है। ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर टू, ये सामने लिखा वहीं से तो नोट करना। O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और O2 डबल माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन, सो बॉन्ड ऑर्डर 1। ये आगे चारों के बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद ही तो क्वेश्चन शुरू होगा। आपसे बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो बॉन्ड ऑर्डर के, तो क्या करोगे? सबसे पहले किसको लोगे? O2 डबल माइनस, फिर किसको लोगे? O2 को, फिर किसको लोगे? O2 प्लस को, और फिर किसको ले हुए? N2 को। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब आपसे बोला कि नहीं मेरे को तो बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम किसकी होगी? मिनिमम बॉन्ड लेंथ N2 की, उससे ज्यादा O2 प्लस की, उससे ज्यादा O2, और सबसे ज्यादा O2 माइनस की। क्लियर? नोट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। आपने बहुत सारे टाइप के बॉन्ड के नाम सुने होंगे। सबसे पहला बॉन्ड आपने सुना था आयोनिक बॉन्ड, फिर सुना आपने कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर सुना आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तीन नाम तो सुन लिए मेरे से, ठीक। और मैंने एक अननोन बॉन्ड आपको बताया था, मेटेलिक बॉन्ड, वो भी बॉन्ड का टाइप है। बट इन चारों से हट करके एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है समझिए, व्हेन हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विथ फोन, किससे रिएक्ट हो? फोन से, फोन फॉर एफ ओ एन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन को मोबाइल से अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल तो स्टूडेंट के लिए बना है। हाइड्रोजन अटैच विथ फोन, फोन से अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन एटम, तब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पहली कंडीशन। इन्हीं से अटैच होता है तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस रीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। केमिस्ट्री में आपने सुना होगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, उससे लेस ऑक्सीजन की, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप बोलोगे सर हमको तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता ही नहीं क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की टेंडेंसी है जिसमें वो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। फिर से सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट इन विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट। मॉलिक्यूल जब फॉर्मेशन होगा और एक एलिमेंट उस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, उस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दिया। पीरियोडिक टेबल में आप ये डिटेल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हायर इज न्यूक्लियर चार्ज, हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि न्यूक्लियर से तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एलिमेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है अट्रैक्शन टेंडेंसी ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से फेमस है। अब पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसका नाम है फ्लोरीन, उससे लेस ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन इनसे रिएक्ट हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो देखिए क्या होता है, यह हाइड्रोजन, थोड़ा सा इसको डिटेल समझेंगे तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ बड़ा डायग्राम बनाएंगे। यह हाइड्रोजन किससे अटैच हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू? फ्लोरीन। फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं कौन से बॉन्ड से? कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको ये पता कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें होता क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दोनों एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वो अपने वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को पार्टनरशिप में अरेंज करेंगे। पहले यह देखिए फ्लोरीन की ज्योमेट्री क्या है, 2-7 ये फ्लोरीन की ज्योमेट्री है। हाइड्रोजन के पास क्या है? अरे हाइड्रोजन तो इंटरनेशनल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टनरशिप में सेंटर में रखता, ये रख दिया। फ्लोरीन के वैलेंसी सेल को चेक करिए, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में? 7। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का रूल है कि उसके पास अगर मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में डोनेट नहीं करेगा, पार्टनरशिप इक्वल होती है। अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया पार्टनरशिप में तो फ्लोरीन भी अपने वैलेंसी सेल से सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये आ गया फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। पहचानने के लिए हमने अलग अलग टाइप से इलेक्ट्रॉन डिजाइन किए। ये फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है? 6, वो अपने पास रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को पार्टनरशिप में देगा। अब क्या होगा, कहानी बदल जाएगी। कोवेलेंट बॉन्ड है बट ये डिफरेंट एटम का कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है? अरे डिफरेंट एटम का कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर सेम एटम का कोवेलेंट बॉन्ड होता तो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन सेंटर में होते, रूल है ये तो, बट यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट एटम ने कॉम्बिनेशन किया कोवेलेंट बॉन्ड में, इसके कारण क्या होगा, ये पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन किसके साइड शिफ्ट होने लगेंगे? टूवर्ड्स फ्लोरीन एटम, क्योंकि फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज हायर है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज हायर होगा उसी की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, डिफरेंट एटम का कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन अब सेंटर में सिचुएट नहीं हो सकते, ये डिस्प्लेस होंगे इधर फ्रॉम हाइड्रोजन एटम टू फ्लोरीन एटम, देन फ्लोरीन बिकम स्लाइटली नेगेटिव, जिसके साइड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे स्लाइटली वो स्लाइटली पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। अब यहां कहानी आगे सुनिए, HF मॉलिक्यूल है तो क्या एक ही मॉलिक्यूल होता है कंटेनर में? हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं एक कंटेनर, अरे एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, यहां लिख देता आपको पता है, 1 mole contains 6.023 × 10^23 इतने मॉलिक्यूल है कंटेनर में। अगर एक मोल HF है आपके पास तो एक मोल HF कंटेनर के अंदर है तो 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नजदीक होगा तो ये HF का सेकंड मॉलिक्यूल, ये HF का सेकंड मॉलिक्यूल, अरे ये HF का थर्ड मॉलिक्यूल, ये ऐसे होंगे अरे। और सबकी स्टोरी क्या है? अरे सबकी स्टोरी वही है जो इसकी सेंटर वाले, ये भी बॉन्ड डिस्प्लेस होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर भी आ जाइए ये स्लाइटली डिस्प्लेस होगा, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, मतलब HF मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव है, पार्शियली पॉजिटिव है, और फ्लोरीन पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। अब समस्या क्या, हाइड्रोजन के साथ धोखा किसने किया?
हाइड्रोजन के साथ धोखा किया फ्लोरीन ने, क्या किया? अरे फ्लोरीन ने पहले बोला था हम सेंटर में एटम रखेंगे ऐसे पार्टनरशिप में, तो हाइड्रोजन तैयार हो गया था, बोले हाँ ठीक है, और बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करने के बाद मतलब सेट करने के बाद फ्लोरीन ने धोखा दिया, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ले लिया, वो हो गया पार्शियली नेगेटिव, इसको बना दिया पार्शियली पॉजिटिव। हाइड्रोजन अपना बदला लेगा, कोई भी एलिमेंट कभी नहीं भूलता, 20 साल तक नहीं भूलता आदमी अपना बदला, तो हाइड्रोजन क्या भूलेगा इतनी आसानी से? नहीं। तो हाइड्रोजन इधर है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इधर का हाइड्रोजन भी पॉजिटिव, यह हाइड्रोजन भी पॉजिटिव, ये अपना बदला लेगा। तो क्या करेगा ये बदला लेने के लिए? ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जो इस फ्लोरीन के कारण हुआ, ये इधर वाली नेगेटिव फ्लोरीन से एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड फॉर्म है। इसी स्पेशल टाइप के अट्रैक्शन फोर्स के बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। पॉजिटिव हाइड्रोजन एक स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन फोर्स नेगेटिव एटम पर लगाएगा जो फ्लोरीन पास में है, क्योंकि उधर वाले फ्लोरीन ने तो उसको फ्रॉड किया, धोखा दिया, वो इधर वाले फ्लोरीन से अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और उससे सेटिंग कर लेगा, इसी सेटिंग का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए इधर का हाइड्रोजन भी करेगा, ये इस नेगेटिव फ्लोरीन एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है नेगेटिव पॉजिटिव का, अरे अट्रैक्शन फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव में ही होता, दुनिया में यही रूल है, पॉजिटिव का अट्रैक्शन फोर्स नेगेटिव से हुआ, और अट्रैक्शन फोर्स का नाम ही बॉन्ड है, जिसको हम इस तरह के स्पेशल लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते, ठीक, ब्रेकिंग वाली लाइन से, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड के बाद फॉर्मेशन हुआ, पहले कंपाउंड में क्या हुआ था? पहले कंपाउंड में ये कोवेलेंट बॉन्ड था, फिर बाद में ये स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, और ये इधर भी होगा, ये इधर हुआ, इधर हो गया, उधर वाला हाइड्रोजन किसी तीसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड ही हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताओ मॉलिक्यूल में क्या हुआ? अरे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल में आपसी अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ, पहले से कोवेलेंट बॉन्ड था उसका अट्रैक्शन था, और एक स्पेशल बॉन्ड का और फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो मॉलिक्यूल पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा ना, और पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती। कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी ये इसके बाद हम स्टडी करेंगे, अभी हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन, नोट करेंगे।